राज्य में कोरोना संक्रमण से सांस तोड़ने वाले संबद्ध डिग्री कॉलेजों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को विशेष आर्थिक सहायता देने की मांग सरकार से की गई है। 15 दिनों में संबद्ध डिग्री कॉलेजों के 12 शिक्षक कर्मचारियों की सांस टूट चुकी है। इस बाबत बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। पत्र के साथ 15 दिनों में संक्रमण से सांस तोड़ने वाले संबद्ध डिग्री कॉलेजों के 12 शिक्षक कर्मियों की सूची भी भेजी गई है। इनमें पटना केआरपीएस कॉलेज के कुमार निशिष, बक्सर केपीसी कॉलेज के बलदेव एवं कृष्ण मुरारी सिंह, पटना के कन्हौली कॉलेज के नरेंद्र कुमार, अलीनगर के आर लाल कॉलेज के सतीश कुमार, मुजफ्फरपुर के एसएनएस कॉलेज के जयप्रकाश पांडे के साथ अन्य शिक्षक शामिल है। पत्र में इस कोरोना काल में संबद्ध डिग्री कॉलेजों को बकाया अनुदान राशि जारी करने की मांग भी की गई है, ताकि शिक्षक कर्मी राहत का अनुभव कर सकें। संगठन के प्रधान संयोजक डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण संबद्ध महाविद्यालयों के अधिकतर शिक्षाकर्मी संक्रमित हो गए हैं। कई शिक्षकों एवं कर्मचारियों की मृत्यु भी हो गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित शिक्षाकर्मियों को समुचित इलाज की व्यवस्था त्वरित गति से करने, कोरोना वायरस से मृत शिक्षक एवं कर्मचारियों के आश्रित को 10-10 लाख रुपए की विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा करीब 9 वर्षों का बकाया सहायक अनुदान राशि का भुगतान एकमुश्त करने की मांग की है। मैं फिर मिलूंगी फिर आपसे एक नई खबर के साथ। तब तक कोरोना में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद।